हाँ, तब्दीलियाँ तो बहुत देखी। यहाँ तो उर्दू बाजार जो उर्दू बाजार तो वो तो है नहीं अब, जैसे था रौनकें थी पहले, अब तो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। पुरानी तो भाई रौनक तो अलग ही थी, शोरा हजरात आते थे, कहीं अदीब आते थे। कौन कौन से? जैसे ख्वाजा हसन निज़ामी साहब हैं जी, ख्वाजा मुल्ला वाहिदी हैं, मेरे वालिद के ज़माने में। मेरे ज़माने में तो आजकल के में जो है मुख्तलिफ शोरा, जैसे राहत इंदौरी हमारे दोस्त थे, मुनव्वर राना मेरे दोस्त हैं जो आते हैं, या शायरों में तंज़ व मज़ा के हैं पापुलर मेरठी मोहम्मद एजाज, वो आते हैं अक्सर यहाँ। अच्छा। और इकबाल अशहर हैं दिल्ली के मशहूर शायर, तो मुख्तलिफ लोग आते रहते हैं। जैसे और उस ज़माने में जो है, जो वालिद साहब के ज़माने में, जोश मरी आबादी, तिलोचंद महरूम, जगन नाथ आज़ाद, इस तरह के जो शोरा थे उस वक्त की, टूटती बोलती थे, वो सब यहाँ आते थे। और मौलाना आज़ाद भी आया करते थे, वज़ीर तालीम नहीं थे वो, खाली आम लीडर थे कांग्रेसी से। ऐसी मौलाना समीउल्लाह का इदारा है यहाँ कुतुबखाना अज़ीज़िया, उसमें गांधी जी के एक बाहर बेंच थे, तो वहाँ वो नेहरू साहब बैठा करते थे, आगे मौलाना आज़ाद बैठते थे। अभी गुलदार साहब का इंतकाल हुआ है, वो पुराने यहीं थे, तो वो वक्त यहाँ बैठा था। अजीब, बाहर ही उर्दू के मुशायरे हो रहे हैं, मौलाना साहब ये मौलाना है मुश्ताक अहमद साहब थे ना, मुश्ताक अहमद ऊपर ये मुश्ताक साहब, उनके उसमें हॉल में मुशायरे होते थे। ये पुरानी बात करूँ, मैंने तो उनको नहीं देखा, मैं वालिद साहब बताते हैं बहुत, यहाँ नरेश कुमार शाह, जोश मली आबादी, इस तरह से बहुत से कदीम शोरा, वालिद साहब से उनका ताबता था, वो आते थे। उस जमाने से आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। वो बात तो जो पुरानी बातें थी वो कहाँ है, उर्दू से बिल्कुल नाबलद हो रहे हैं लोग, है कहाँ, उर्दू बोली नहीं रहे अब तो। जो भी है उर्दू की किताब चाहते हैं वो रोमन में लिखी हुई है, अंग्रेज़ी की रोमन में, उर्दू भी रोमन में होनी चाहिए। आपके यहाँ पहले छपती भी थी? देखिए, मेरी किताबें सभी लगी, मेरी ही किताबें लगी हुई हैं, जो लगी हुई है हमारी किताब। तो आपका पब्लिकेशन हाउस अभी चल रहा है? हाँ, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, 1939 से कायम है और चल रहा है, छाप रहे हैं किताबें। तो यहाँ दो ही दुकानें लगी हैं, मकतबे जामिया है या मीरा इदारा है, बाकी दो तीन दुकानें वो मजहबी किताबें बेचते हैं। तो मेरे यहाँ इतना अल्हम्दुलिल्लाह है कि रिसर्च स्कॉलर अगर कोई आ जाए तहकीक के लिए, तो उसको मवाद मिल जाता है, वो खुश हो जाता है। जो शिफ्ट हुआ ये अदब से मजहब की तरफ, ये कब हुआ आपके हिसाब से? हो गए 20 साल तो हो गए, इस तरह से तब्दीली आई है समाज में। और इसकी वजह क्या रही? तो यूनिवर्सिटी में अब पढ़ाया तो जा रहा है, उर्दू की तरफ से फ़रोग हो रही है, सरकारी इदारे कर रहे हैं कुछ काम, जैसे अकेडमीज़ हैं या कौमी कौंसिल है, तो उसकी वजह से हो रहा है। लोगों में कितना चेंज देखा है आपने, जो आपके पास खरीदने आते हैं लोग, आपके यहाँ पहले जिस किस्म के लोग आते थे, एज ग्रुप के हिसाब से, लोगों के शौक के हिसाब से, क्या चेंज आपने देखा, तब्दीली क्या? अब बस जो नई जो बहुत गैर मुस्लिम भी जो आ रहे हैं, तो वो शायरी पसंद करते हैं और वो चाहते हैं लिपि उसकी अंग्रेज़ी हो या हिंदी हो, उर्दू तो हो मगर वो सजा अंग्रेज़ी हो, तो हम उसको पढ़ लें। मनोवराना या जो भी शायर आजकल के जदीद हैं, उनका तर्ज हिंदी में होना चाहिए। आपसे ज़ाती तौर पे जो चेंज देखा टाइटल्स में, वो क्या रहा? ये तब्दीली तो आई है, वो पुराना अंदाज तो नहीं, अब तो बहुत तरक्की हो गई है, ये जो कलर स्कीम बहुत अच्छी हो गई है, ये नेगेटिव का मामला जो है ना, पहले तो लेथू का दौर था, अब तो ऑफसेट का ज़माना है, अब तो डिजिटल का ज़माना है, तो उसमें बहुत तरक्की है। उर्दू बाज़ार में तो ख़त्म ही हो गया है काम, उर्दू बाज़ार में किताब छापने वाले कौन है, दो तीन आदमी जो है वो मजहबी किताबें छाप रहे हैं, जैसे कुरान मजीद, फ़ज़ाइल आमाल, इस तरह की जो किताबें बुनियादी किताबें हैं वो छप रही हैं, मगर ज़्यादातर अदबी किताबें जो हैं वो मुख्तलिफ अलग 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 महलों में जाकर पहुँचा। ये हमारी जो किताब है पहली वालिद साहब ने, ये तो खैर अब कंप्यूटर पर कराई है, नई वालिद से बच्चों ने बनाई है, और पहले ज़माने में छोटे साइज में लेतु भी थी, तो 1937 में छपी है। और ये अब इसकी कीमत 200 रुपये, और जब ये छपी थी तब कितने की थी? 1 रुपये 4 आने, 1947 में छपी है, तो हर मौजू पर किताबें छापी मेरे वालिद साहब ने, खाली मजहबी किताबें नहीं, अदब से मुताल्लिक ज़्यादा किताबें, शोरा की किताबें बहुत छापी, दवाबीन छापे बहुत। अब आप क्या क्या छपते हैं? अब ये सामने थे उसी को रिप्रिंट कर रहे हैं, जो पुरानी थी उन्हीं को छाप रहे हैं, नहीं अभी कुछ नहीं, नया जो है फिलहाल तो नहीं छापने की हिम्मत हो रही है, कागज़ काफ़ी महंगा हो गया है। अच्छा, अगर छपाई ज़्यादा महंगी हो रही है ना, तो रॉयल्टी का मसला है, और जो लोग छाप रहे हैं तो वही है, जो जाली किताबें छप के बिक रही हैं, तो उनको रॉयल्टी का तो मसला ही नहीं है। जो पहले ज़बान थी वो ज़बान तो रही, अब तो हिंदी के साथ ज़बान लग रही है, उसमें अल्फाज तलफ़ुज़ भी सही नहीं निकल रहा लोगों का, प्रोनाउंसिएशन जो है उर्दू का वो सही नहीं है,
उस जमाने में तो ऐसे टोक देते थे शायद यहाँ बैठे, अरे नहीं क्या आपको पढ़ना है, आपका बच्चे कहाँ पढ़ते हो, कि क्या पढ़ा आपने, मुझे तो वो उसकी क्लास ले लेते थे। अब यहाँ खुद ही नहीं, अभी नाविलों को दौर ही नहीं रहा। अब नाविल तो फिल्म देख लीजिए ना, जितनी भी रंगीन फिल्में वो नाविल, पहले तो रसायल भी चलते थे, नाविल खूब से पढ़ा, तारीखी नाविल पढ़े जाते थे, चौपालों में पढ़े जाते थे। अब वो दौर सब खत्म हो गया ना, कहाँ है, तब ज़माने की तब्दीली तो है। अब नाविल नहीं चलते, वो कोई मशहूर जो हो जाए तो वही है, जिसको अवार्ड मिल गया तो वो पढ़ ले आदमी, कभी क्यों मिला इसमें अवार्ड, तो वो तरह का होता है कि भाई ये किसका लाया नाविल। तो पुराने नाविल अब नहीं निकल रहा, कोई नया भी नहीं आ रहा जो अच्छा नाविल से आ जाए। मौलाना सादिक हुसैन सरदौनवी के नाविल थे तारीखी, अब्दुल अलीम सरोन लखनवी के नाविल खूब बिका करते थे, इनायतुल्ला अल्तमश के, असलम राही के, ये सब लिखने वाले, और ख़वातीन में रज़िया भट्ट, ए आर खातून, दीबा खानम, मसरूर जहाँ, ये सब। आज के ज़माने में कौन से टाइटल दिख रहे हैं? आजकल तो अब्दुलसमद साहब थे, अभी इनका इंतकाल हुआ ना, मुशर्रफ आलम चौकी, उनके काफ़ी नाविल अच्छे मकबूल हुए। पोइट्री में जदीद शायर जो आजकल जो छोटी बहर में कह रहे हैं वो पसंद किया जा रहा है, और छोटे आसान जमान सहल उसको लोग पसंद कर रहे हैं। मगर जदीद आजकल के जो मतलब नया तबका है वो उर्दू अखबार नहीं पढ़ रहा, वैसे भी बंद हो रहे हैं लोगों का, एक ये पूरा शिफ्ट लिटरेचर को छोड़ के रिलीजन की तरफ क्यों हुआ, और ये कब हुआ आपके हिसाब से? ये कोई 30-35 साल का तो अरसा गुजर गया इसमें इस तरह से। आपने भी अपने यहाँ पे फिर वो मज़हबी किताबें मज़हबी किताबें लिखी हुई, तो आपने भी फिर अपना शिफ्ट किया कि इधर मज़हब ज़्यादा लगाना है और अदब को अंदर। तो अदब रोज़ तो नहीं बिक रहा, मज़हबी किताबें बिक रही हैं, रोज़ बिकती। अदब तो बहुत थोड़ा बिकता है, आज तक किसी लाइब्रेरी से कोई ऑर्डर नहीं आता कि भाई हिंदुस्तान में इतनी लाइब्रेरीज हैं कि वो हमें मालूम लें कि भाई कौन सी किताब आई, क्या कुछ नहीं, जब वो खरीद ही नहीं रहे तो हम क्या करें। उसको छोड़ दीजिए, जो है कौमी कौंसिल बरए ज़बान फ़रोग़ उर्दू वो तो कर रही है मदद, लोगों को पैसे भी दे रही है मकाले छापने के लिए, मगर वैसे और कहाँ है, और कौन दे रहा है, ये बड़ी कमी है लाइब्रेरी में। असल में ये अदब जो है वो लाइब्रेरी से जो है, लाइब्रेरी में रखी जाए तो बच्चे पढ़ें, ले तो लाइब्रेरी में है ही नहीं। मेरे यहाँ आप आइए, मैंने तो बड़े मौजू के अतबार से टॉपिक वाइज उनवान वाइज किताबें लिखी हुई हैं, आप मुझसे भी कहें, क्योंकि इंटरव्यू तो इंटरव्यू में आपको 100 किताबें दिखा दूँगा मिनटों में। और वैसे पुरानी किताबें भी रखता हूँ, कलमी किताबें, हाथ की मखतूतात भी हैं। पुरानी किताब आपके पास वो मखतूता है, तकरीबन 225 साल पुराना होगा। उधर चप्पल की दुकान है, चिकन की दुकान है, ये सब दुकान ये सामने आ रही है, लाला लाजपत राय एंड सन की दुकान थी सामने, ये होटल का नजर आ रहा भी है, लाला लाजपत राय एंड सन। ये असल में पहले पढ़े लिखे उलमा फजला का बाजार था, जितने भी कारोबार करने वाले थे वो सब आलिम लोग थे, जैसे हमारे गली में चला गया अंदर, यहीं मकतबा बुरहान था, मुफ्ती अतीक रहमान साहब उस्मानी देवबंद के, उनका इदारा था, यहाँ से अखबार निकलता था, और वैसे एक रिसाला इनका बड़ा मशहूर था, बुरहान बड़ा इल्मी पर्चा था, इसी बाजार से निकलता था। यहाँ शाहरा था ऊपर बिल्डिंग के ऊपर शाहरा मकतब शाहरा, वैसे बहुत सारे इदारे ख़त्म हो गए थे हमारे सामने संगम किताब घर, सेंट्रल बुक डिपो, बस क्या बताएं, सेल की वजह से उन्होंने अपना सेल्स ख़त्म होती रही, तो उन्होंने ख़त्म कर लिया। कब चेंज आया? कुछ लोगों ने इसको मुंतकिल कर दिया दूसरी तरफ कि भाई यहाँ से पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, अंदर चले जाए वापस। अभी हाल में यहाँ उर्दू बाजार में बड़ा पुराना था 1924 का इदारा, वो यहाँ ख़त्म हो गया, कुतुब खाना रशीदिया, वो दरस निज़ामिया का किताबें का कारोबार करते थे, मज़हबी कितनी मज़हबी यूनिवर्सिटी है ना दारुल उलूम, सब उनकी किताबें उनके यहाँ होती थी, छापते थे वो लोग, सब ख़त्म हो गया। उन्होंने क्या किया, अभी उसका क्या हो गया? बेच गए, अब तो कपड़े की दुकान अनारकली के नाम से दुकान खुली, कपड़े की एक रोटी की दुकान खुल रही है, रोटी तो आपके ऊपर भी रहा होगा, आपके पास भी लोग आते होंगे। मैंने तो बच्चों को हिदायत दे रखी है भाई अपना यही काम करना है, इसी बात आपको खिदमत करनी है, इसी में रहेगी आप। 1896 तसव्वुफ़ की किताब है, मक्तूबात है, यही है मुनीर रहमतुल्लाह अलैह को, 1889 की है, ये पत्थर की छपाई है, ये
प्लेटिन पत्थर पे जो छपा करते, हर एक की बेल अलग है, बेल कैसा काम करते थे वो लोग। 600 तो कातिब रहते थे, 600 कातिब। लुगाते नासिरी क्या कहते हैं, दिस इज 1889, दिस वाज 18 1905 की है, दिस वाज 1896। लुगत है ये, लुगत लुगाते नासिरी देखिए कैसे कैसे मायने वाले, किसी किताबत का फन देखिए जाए, पत्थर की जगह पर कैसे मेहनत की गई है। तो बहुत आसानी, अब तो आप तो बहुत आसानी कोई भी नहीं है। अब क्या अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह किया खालिक बारी के कलम देख, किताबत मैं तो ये देख रहा हूँ ये फन जो है किताबत का फन देखिए कितना खूबसूरत। अब ये गालिब साहब बता पाएंगे फन किताबत क्या है। देख रहे हैं आप 1889 की है ये महमूद नामा सब, और सबकी बेल अलग है, आप ये देखें कोई रिप्रिंट नहीं है, मतलब ये वही दोबारा हुई है, कितना बड़ा काम है देखिए। तो कागज़ की उम्र ख़त्म हो गई है, साइड पे ये सब कुछ लिखा है, कागज़ की उम्र ख़त्म हो गई। ये देखा आपने दायरे, देखिए ज़रा दायरे जाए, किताबत के दायरे देखिए, पहले से कोई ना कोई कातिब मेरे यहाँ, यहाँ 6 कातिब बैठते थे और यहाँ सरदार जी बैठते थे, यहाँ पर इस जगह पर सरदार। किताब बनाने की प्रोसेस क्या थी? पहले तो बहुत मेहनत थी ना, काफ़ी बैठ के किताबत किया करते थे, पीले कागज़ पे लिखा करते थे, फिर उसके बाद क्या होता था? फिर वो कापी जमती थी प्लेट पर, फिर वो हीट देकर उनको छापा जाता था, प्रेस ही तो कारोबार होता था, वो तो खाने कहाँ थे, प्रेस छापते थे, प्रेस भेजते थे, जैसे गालिब साहब ने प्रेस में आए, उन्होंने किताब अपना दीवान छपाया, फिर ले गए। आपके पास भी जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, जो लोग कस्टमर्स आ रहे हैं, वो सब हिंदी की किताब, इसीलिए तो आ रहे हैं ना, वो उर्दू नहीं पढ़ रहे, अब इसीलिए उर्दू की किताबों को हिंदी में कर रहे हैं, जो आता है वो फरमाइश करता है भाई हिंदी में लाइए, हिंदी में दे दो। ये हिंदी वाला चलन कब से हुआ? ये भी तकरीबन 10-12 साल तो ज़्यादा होगा, इसको लोग उर्दू की जगह हिंदी पसंद कर रहे हैं। हिंदी की जिल्द आपके पास? नावल सब इस्लामी नावल हिंदी में, जासूसी नावल मोहम्माती जो होते हैं हिंदी में, तब्दीली आ रही नहीं, सामाजिक तब्दीली है उर्दू, मगर उसको हिंदी में पढ़ना है ना। मैं 1978 से हूँ, तब्दीली तो वक्त के साथ साथ है ही, जब मैं आया था तो उर्दू बाज़ार कहलाता था, लेकिन फ़िलहाल जो है वो चंद दुकानें रह गई हैं उर्दू किताबों की, जिसमें अदबी किताबों की सिर्फ 2 दुकानें हैं, मकतबा जारिया या कुतुब खाना अंजुमन तरक्की उर्दू, बाकी सब मजहबी इदारे हैं। उर्दू की तरफ आज भी नई जनरेशन है बिला इम्तियाज मजहब, आज भी उर्दू जो सीखने वाले तलबा तालिबात जिसमें गैर मुस्लिम काफ़ी बड़ी तादाद में हैं, वो लोग आते हैं हमारे पास हिंदी के ज़रिए, अंग्रेज़ी के ज़रिए उर्दू सीखने की किताबें खरीदते हैं, ले जाते हैं, खुसूसन शायरी जो है वो खुसूसी तौर पर भी, नावलों की तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो मैं नहीं देखता। और जहाँ तक ख़रीदारी का सवाल है, तो ख़रीदारी पहले से बेहतर है उर्दू की जी, एक जो मिडिल क्लास के लोग हैं वही लोग उर्दू पढ़ते हैं और ख़रीदते हैं। अब वक्त के साथ साथ तब्दीली आ रही है, अब चंद नाम रह गए हैं जो पढ़े जाते हैं, जैसे कि सदाबहार शख्सियत कुरतुल अन हैदर, उनकी किताबें तो हर दौर में पढ़ी जाती रही हैं और आज भी लोग पसंद करते हैं। या मरासी, उन्हें ये शऊर नहीं है कि मरासी या मिरासी में क्या फ़र्क है, मिरासी अनीस मानते हैं हम तो, हाँ तो तकलीफ़ होती है कि भाई अनीस की रूह भी तड़प जाती होगी जब उन्हें मिरासी कहा जाता हो, तो ये सब है इनका। शायरी जो है वो तो एक ज़बान के चटखारे का मामला है ना, तो इस वजह से शायरी तो ख़रीदते ही हैं लोग, और उसमें भी चंद शायर ऐसे हैं जो ज़िंदा हैं हमेशा के लिए, जैसे कि गालिब हैं, समझ आए ना आए लेकिन दीवाने गालिब ख़रीद लेता है आदमी,
समझ आए ना आए कुल्लत इकबाल ख़रीद लेता है, या बशीर बदर हैं, परवीन शाह के साहब हैं, इनकी किताबें आवाम में लाई थी। खास तबका है जो जॉन एलिया को पसंद करता है। अभी चंद साल से देख रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर उर्दू की खपत है नंबर एक के ऊपर तो वो महाराष्ट्र है। अच्छा। और दूसरे नंबर पे बिहार स्टेट है, जो उर्दू के हक में बेहतर इलाके हैं। उसके अलावा केरला से काफ़ी आते हैं। और मेरे सामने सामने जो है 12-15 दुकानें ख़त्म हो गई हैं। अभी हाल में ही एक कुतुबखाना रशीदिया ख़त्म हुआ है, जो एक बहुत पुराना इदारा था। और वहाँ पे क्या आया अभी? अब आजकल कुर्ते बिक रहे हैं। यहाँ पे डिप्टी नज़ीर अहमद साहब के वरासा में बशीर अहमद साहब और उनके जो साहबजादे थे मुस्लिम अहमद निज़ामी साहब, उनका इदारा हुआ करता था ना कुतुबखाना नज़ीरिया, जिन्होंने बहुत बड़ी अच्छी अच्छी किताबें छापी थी अदब से निकाल, वो ख़त्म हुआ। एक इल्मी कुतुबखाना था, कुतुबखाना हमीदिया था, सेंट्रल बुक डिपो, लाजपत राय एंड सन्स, बहुत सारे इदारे थे जो या तो मुंतकिल हो गए या ख़त्म हो गए। उर्दू असल में उर्दू किताबों का जो काम है ये बहुत सब्र आजमा है, और लोगों को ये इसकी जो बैलेंस शीट बनती है वो साल में एक मरतबा बनती है किताबों की। लेकिन उर्दू किताब वाला क्या करे, जिसने अगर 500 का एडिशन कोई किताब को छाप लिया वो 11 साल तक नहीं बिक रही, तो वो क्या करे। तो ये बड़ा सब्र आजमा काम है। इस वजह से लोग हुसूल ज़र की खातिर भी बहुत से लोगों ने दुकानें कारोबार ख़त्म कर दिए। मिसाल के तौर पर बहुत मशहूर इदारा था यहाँ का, आपने भी वाकिफ होंगे, मतलब सारा के नाम से, आज वहाँ मछली मंडी है। तकरीबन 20 साल के अंदर अंदर काफ़ी बड़ी एक तब्दीली वाकई हुई है, जो लॉक की तब्दीली। मिसाल के तौर पर नाविलों से बेजारी खसूसी तौर पर, अब पढ़े जाते हैं अभी भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो बात नहीं है। जब दिन में 10 बिकते थे आज 10 दिन में एक बिकता है, ये फर्क हो गया। लेकिन हाँ, एक खुशी की बात ये है कि कुव्वत खरीद बढ़ी है। जो लोग कल तक 60 रुपये की किताब खरीदते में आनाकानी करते थे या सोचते थे, आज वो 600 की किताब बड़े शौक से खरीद लेते हैं। तो कुव्वत खरीद तो बढ़ी है। ये किताब किस मौजू है, क्या नौयत है, लिखने वाला किस मेयार का है, तो फिर उसे अखबार से मुद्दा हासिल हुई, तो उससे काफ़ी मस्बत नतज निकलते हैं।